बाबा, अरे कुछ बाबा। बाबा, अरे कुछ बात करना था। ओह नो, इस बार इलेक्शन में घर से मैं खड़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो पार्टी की टिकट है वो मुझे मिले। बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस बार इलेक्शन के लिए मेरा भतीजा खड़ा हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता बाबा? इस घर का बड़ा लड़का हूँ मैं, मेरा हक है इस कुर्सी पे। इलेक्शन तो मैं ही लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लो बराबरी का मौका दिया। नेता बनने के लिए चोर बनना जरूरी होता है। जो ज्यादा चोरी करके लाएगा इस बार वही इलेक्शन में खड़ा होगा। ठीक है, मंजूर है। जुनैद, एक पास तो है मेरे पास, एक पास और चोरी करना पड़ेगा। हमारे पास दो पास हो जाएगा और बाबा को बोलेंगे कि हमने दो पास चुराया, तो ये हम लोग जीत जाएंगे। और इलेक्शन में टिकट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। हमको मिलेगा। अच्छा देखो, कोई मुर्गा मिल रहा है। अरे ये भूत देखो, साला कोई आ रहा है। एक काम करो, तुम दोनों आगे चलो, मैं देखता हूँ। कौन कितना माल चोरी कर लाया है, पहले जाकर दिखाओ तो। कौन सा लाए हो? 500 रुपए लाए। 500 जुनैद कितना? 500 रुपए लाए। तुम कितना लाए हो? बाबा, हम लोग दो पास चोरी करके लाए हैं। पहला रहा ये और दूसरा चलो दूसरा पास। दूसरा पास तो वहां चोरी हो गया। चोरी हो गया साला। बस पर्स खाली। जब तू अपना पर्स नहीं बचा सकते हो तो खुशी क्या संभालोगे तू? इस इलेक्शन में हम अंगूर को टिकट दे रहे हैं। बाबा, आपको सनी लिवानी की कसम बाबा, टिकट मुझे मिलना चाहिए। सनी दौल क्या कसम बाबा, टिकट मुझे मिलना चाहिए। टिकट उनको आप कैसे दे सकते हैं बाबा? अगर कुर्सी उसको मिली तो कुर्सी की जगह उसकी अर्थी उठेगी। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ले जाओ, ये पागल हो गया है। नहीं बाबा, बाबा बाबा, मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, अलग से तो मैं जीत के दिखाऊंगा बाबा, ये बाबा। कितना मोबाइल चला रहे हो बे? अच्छा देखो, जो मेरा पार्टी ज्वाइन करेगा मैं उसका शादी करवा दूंगा, वो भी लड़की से। अरे सबका शादी करवाएंगे, हमारा पार्टी सबका शादी करवाएगा। बस हमारा पार्टी एक बार ज्वाइन कर लो, बोलो एक बार हाथ भैया। Come on, come on, come on.
आपको वोट मिलेगा। चलिए हैदर भैया औरत से थोड़ा प्यार से वोट मांगिए। इधर थोड़ा प्यार से क्या, मैं पूरा प्यार से मांगूंगा। अरे नमस्ते, ये हमारा पार्टी है, एच जी केला साहब पे वोट देना है। ठीक है, प्रणाम बुआ। प्रणाम बुआ। बोले बच्चा क्या है बाबा? कुछ समस्या था, इस बार हम इलेक्शन में खड़ा हुआ बाबा, इस बार हमको इलेक्शन किसी भी हालत में जीतना है और बस आपके लिए आए हैं बाबा कि कोई निवारण बताइए। हाँ दिखाओ। इस बार तो तुम इलेक्शन जीतेगा, लेकिन लेकिन तुम्हारा मंगल तो ठीक है लेकिन सन्नी दोष है, तो तुम्हें सन्नी मंत्र करना होगा। ओ हाँ ठीक है ठीक है। बाकी इस इलेक्शन में कोई ब्रह्मांड नहीं है कि तुम्हें हरा सके, लेकिन तुम्हें इस मंत्र को कराने के लिए 10,151 रुपया को दक्षिणा देना होगा। 10,151? Oh no! ठीक है, फोन पे कर दूंगा। ठीक है बाबा, आपका दक्षिणा मैं फोन पे कर दूंगा, तो चलते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। अगर तुम लोग मेरे लिए नारा लगाओगे तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। क्या सोचे थे 50 रुपए में तुम हमारे पार्टी के आदमी का ईमान खरीद लोगे? अच्छा, अगर तुम लोग मेरे पार्टी ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अगर तुम लोग मेरा पार्टी ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें 2 GB डाटा फ्री 3 महीने के लिए दूंगा। चला अभी तक तो नेता ही पब्लिक को चूतिया बनाता था, लेकिन अब पब्लिक ही नेता को चूतिया बना रहा है। Thank you.
अभी जो है स्कोर के हिसाब से अंगूर भैया जो है 200 वोट से आगे चल रहे हैं। यहाँ जो है कोई पार्टी किसी से कम नहीं दिख रहा है। अभी अभी जो है हैदर भैया 100 वोट से आगे चल रहे हैं। अब जो है लास्ट डिसीजन है भैया 200 वोट से हार गए। बाकी इस इलेक्शन में कोई ब्रह्मांड नहीं है कि तुम्हें हरा सके। जज पंडित क्या बोला था कि इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हमें हरा सकता है। साले के ग्राउंड में गोली मारेंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका वसीम हैदर और आप देख रहे थे उसी न्यूज़ 7। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक आप देखते रहिए वसीम 07। बोल दीजिए कसम 07। थैंक यू।